हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, ये धूप निकल रही है 4 दिनों बाद। देखो बहुत तगड़ी धूप है, मज़ा आ गया। आज तो ऊपर बैठा हूँ मैं, बहुत तगड़ी धूप है। तो आज मैंने सबसे पहले करा अपना लाइट चैप्टर का रिवीजन जो करा मैंने, उसमें मैंने स्फेरिकल मिरर और क्या कहते हैं प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर, इन सब के बारे में पढ़ा। पहले तो मैंने देखो यार लेक्चर देखा था आशु सर का, तो उसमें से देखो मुझे याद तो थोड़ा बहुत हुआ, मतलब उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी था जो मेरे नोट्स में नहीं था, तो मैंने एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत ही पढ़ा जो पढ़ा, नहीं तो उसके बाद मैंने लेक्चर स्किप मार दिया और उसके बाद सीधा नोट्स पे कूद दिया। और नोट्स को मैंने ज़्यादातर दो बार रिवाइज़ करा नोट्स को। इसमें कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का लेंस फार्मूला भी देखो याद करना था, और मिरर फार्मूला भी। तो लेंस फार्मूला तो देखो आसान से याद हो गया, मिरर फार्मूला भी। और मुझे लगता है ना, मेरे ख्याल से ना इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मुश्किल किसी के लिए होना चाहिए, तो वो होना चाहिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये अपना क्या कहते हैं इमेज फॉर्मेशन, वो ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए। क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में भी तो मुझे तो ये देखो याद हो जाती है, क्योंकि ना थोड़ी ट्रिक है इसमें। मैं देखो इमेज फॉर्मेशन याद नहीं करता, मैंने देखो 3 याद करता हूँ, मेरे सारे याद हो जाते हैं। जैसे देखो कि इमेज फोकस पे अगर बनती है तो हरदम वो बनेगी इन्फिनिटी पे, और देखो इन्फिनिटी पे जब बनेगी तो हरदम फोकस पे बनेगी, ये हरदम याद रखना। मतलब उल्टा सीधा बस करके तुम कैसे बस 3 याद रख लो, 3 के 6 याद हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस याद करने की ज़रूरत है, इसमें और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अपना हो गया रिफ्रैक्शन लेंस वाला, तो वही है सारा फॉर्मूला। उल्टा करोगे जैसे फोकस पे दोबारा लेंस को डालोगे तो हरदम पैरेलल जाएगी, और पैरेलल करोगे तो फोकस पे जाएगी, और उसके बाद फोकस पे रखोगे कोई लेंस तो वो हरदम इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगी, और इन्फिनिटी से लाओगे तो हरदम फोकस पे इमेज बनेगी। बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है याद करने के लिए। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मुश्किल है मेरे ख्याल से साइन कन्वेंशन। अगर तुम्हें याद हो गया तो ये चैप्टर आराम से तुम कर लोगे, ऐसा मेरा दोस्त भी कहता है, मुझे भी लगता है। क्योंकि साइन कन्वेंशन थोड़ी मुश्किल है, प्लस माइनस में खेलना होता है, तो ये इसलिए मुश्किल है। तो साइन कन्वेंशन अगर याद हो गया तो तुम्हें सब याद हो गया, तो साइन कन्वेंशन ज़रूर याद कर लेना। तो उसके बाद थोड़ी देर 1 घंटे का रेस्ट लेके उस वक्त मैंने अपना स्टार्ट किया पावर शेयरिंग। अब मैंने देखो यार पावर शेयरिंग तो पहले से ही मुझे आती थी, लेकिन मैंने देखो कल सर का अधिकराज सर का लेक्चर आया था, लेक्चर नहीं आया था मतलब एक अनाउंसमेंट आई थी कि 21 डे का हार्ड चैलेंज, कि तुम 21 दिन में तुम्हें सारे चैप्टर कम्प्लीट करा देंगे रिविज़न प्लस ये सब। तो मैंने वो चैलेंज लिया है, तो इसलिए मैं ये 21 दिन तक ये सब करूँगा SST का। तो मैंने पावर शेयरिंग के पहले नोट्स रिवाइज करे, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पेपर दिया था अपने टेलीग्राम से, तो मैंने टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसे सॉल्व करा। मेरे आंसर यार देखो आखिरी के 2 क्वेश्चंस के आंसर मेरे थोड़े डिफिकल्ट आ रहे थे, क्योंकि ना मुझे आ नहीं रहा था वो क्वेश्चन, मैंने तब भी करा, लेकिन मतलब क्या बताऊँ बहुत मुश्किल था वो चैप्टर यार। लग रहा था कि ऐसा मुश्किल है, लेकिन था नहीं वो चैप्टर, क्योंकि मैंने अपने नोट्स रिवाइज करे तो मुझे लग रहा था कि मेरे नोट्स में तो ये सब है ही नहीं जाता, मुझे लग रहा था थोड़े से मतलब 1-2 क्वेश्चन बाहर के भी थे, तो इसीलिए मैंने ये करा, लेकिन तब भी मतलब हुआ नहीं ढंग से जैसे होना चाहिए था मेरा अच्छे मार्क्स। मेरे देखो मैंने अपने आउट ऑफ मार्क्स लगाए थे, 5-5 मार्क्स के 2 थे, 3-3 मार्क्स के 3 थे, 1-1 मार्क्स के और सब थे, तो मेरे टोटल 20 या 25 मार्क्स का था पेपर, तो 20-25 में से मेरे पूरे आए थे 18 मार्क्स। तो मैंने ये चैलेंज पता क्यों लिया, मैंने ये चैलेंज इसलिए लिया है क्योंकि ना 21 दिन मतलब मेरा पूरा 31 तारीख तक, देखो मेरा 31 दिन वाला 30 दिन वाला 1 महीने वाला चैलेंज भी ख़त्म हो जाएगा, और ये 21 दिन वाला भी चैलेंज खत्म हो जाएगा उसी टाइम पे। तो SST भी पढ़ लेता हूँ, इस बीच में क्या दिक्कत है। तो SST के मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए इनके, और मेरा 18 मार्क्स आ गए थे, मैंने तुम्हें बता दिए। तो बस मैंने यही आज करा आज के दिन। तो उसके बाद जब मेरा SST वाला कंप्लीट हो गया, तब मैंने देखा कि शाम भी होने वाली है, तो मैं नीचे चला गया। तो आज के लिए बस इतना ही व्लॉग, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर टू माय चैनल, और कमेंट करो जैसे मुझे पता चले तुम कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ कि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, 90 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स रह रहे हैं, तो मेरी वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जल्दी हम 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।